गुड मॉर्निंग। चलिए हम एरे की बात कर रहे थे, तो एरे में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, दैट इज योर सर्चिंग। ओके, तो सर्चिंग की बात करते हैं। व्हाट इज सर्चिंग? तो डिफिनेशन की बात करें तो सर्चिंग का मतलब होता है कोई चीज आपको ढूंढना है, तो सिंपल है। अगर आपको एक लिस्ट दी गई और उस लिस्ट में कोई वाला एलिमेंट दिया जाएगा और उसी एलिमेंट को सर्च करना है कि आप वो एलिमेंट उस लिस्ट में प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई नोटिस निकला है, मान लीजिए आपका डिटेल लिस्ट निकला है जिसमें आपने कहा कि कई सारे बच्चे हैं जिनका परसेंटेज देखा गया कितने परसेंट अटेंडेंस है, तो अगर आपको सर्च करना है तो आप अपना नाम सर्च करेंगे। पहले तो आपको अपना नाम बताना चाहिए, नाम अगर उस लिस्ट में देखेंगे क्या वो नाम आपके उस लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब लिखेंगे कि हाँ एलिमेंट इज प्रेजेंट, अगर नहीं है तो कहेंगे कि एलिमेंट है आपका प्रेजेंट नहीं। सिंपल एक क्या है सर्चिंग, सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द गिवन एलिमेंट in any list और लिस्ट के आप एरे भी कर सकते हैं। जैसे लिस्ट होता नहीं है किसी में, ये पाइथन में इंप्लीमेंट है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक आपको एरे दिया गया है, उसी एरे में आपको एक अलग से एलिमेंट दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सपोज मेरे पास एक एरे है जिसकी साइज 10 है, ओके, और आप क्या कर रहे हैं कि इसमें एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं 3, 5, 9, 11, 2, -1, 0, 55, 57 and 59। मान लीजिए आपके पास एरे है 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स नंबर है, ओके, और एक अलग से नंबर दिया गया है आपको, सपोज डिजिट नंबर का नंबर आ जाता है। आपको क्या करना है इसी नंबर को इस एरे में सर्च करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब ये इसमें कहीं लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, ओके। आप क्या करेंगे इस नंबर को एक एक एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप इस नंबर को कंपेयर करेंगे पहले पोजिशन पे है A0 के पास है और बोले का मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ओके। तो आपने देखा कि क्या है जो कोई कुछ लिया नहीं है तो आगे भी है और अगले वाले से कंपेयर करेंगे क्या है ये क्या है, ये देखें कि 2 = 5 है, अगर नहीं है तो आगे भी है, तो ये भी है। लेकिन आपको ये बात करना है आप पूरी इस एलिमेंट करना, तो 0 से 4 की जगह 9 हो जाएगा, एक एक एलिमेंट से इसको कंपेयर कराते जाइएगा, ओके। जब आप एक सिंगल एलिमेंट से 1 by 1 कंपेयर कराते हैं, जैसे पहले क्या पहले 0 वाले से कराया है, 1 वाले से कराया है, 2 वाले से, मतलब ये जो हमारी से जो चलते हैं उसे कहा जाता है लीनियर सर्च। तो क्या कहा जाता है लीनियर सर्च, मतलब आपने कहा कि मैं एक सर्चिंग कर रहा हूँ गिवन एलिमेंट्स को, इस एलिमेंट को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ और 1 by 1 एक ही एलिमेंट से एक लाइन को चलते हुए कंपेयर करा रहा हूँ और उसे कहा जाता है लीनियर सर्च या सिक्वेंशियल सर्च। दो तरह से होता है, सर्चिंग हमारे दो तरह से सकते हैं, पहला लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च जो अभी हमने देखा, और एक और सर्चिंग की टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ये टेक्निक अलग है, ये क्या कहता है कि हम मिडिल एलिमेंट निकालेंगे और उस मिडिल एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे कि जो एलिमेंट सर्च करना है वो है कि नहीं, अगर नहीं तो फिर से एक नया मिडिल निकालेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, ओके। दो तरह के सर्चिंग बनाएंगे। अब लीनियर सर्च की बात है, 1 by 1 कंपेयर करते हैं, क्यों बाइनरी सर्च की कर आपको डिस्कवर करना पड़ेगा या ये सर्चिंग एल्गोरिथम क्यों बनानी पड़ी उसका रीजन समझिए। मान लीजिए आप पीछे सर्च करते हैं लेकिन 59, ओके, और हम लीनियर सर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 59 को सर्च करें तो आपको
वन बाय वन कंपेयर करें तो अरे एलिमेंट क्या सबसे लास्ट में, वो कहां मिलेगा मुझे, सबसे लास्ट में मिलेगा। इस केस में जो सर्चिंग की टाइम होगी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, अगर आपका लिस्ट बहुत बड़ा है और आप एक एक करके सर्च कर रहे हैं और वो एलिमेंट सबको लास्ट में मिल सकता है या कहीं लास्ट से पहले भी है, तो आप वन बाय वन कंपेयर करेंगे तो उसके बाद आप जाएंगे तो आपको लाइक मिलेगा क्या वो एलिमेंट मिलेगा, तो हो सकता है आपको सर्चिंग करने में टाइम और होता है बदल जब अगर मुझे तीन को ही सर्च थर्ड को ही सर्च करना तो हो सकता है ये पहले नहीं मिल गया और तुरंत बाद ब्रेक करने का मान लिया था कि यहाँ बन गया एलिमेंट में आपके सर्च करने की जरूरत नहीं। तो दो तरह का एल्गोरिथम बनाएगा, पहला था लीनियर है जो वन बाय वन कंपेयर करता है, माइनस है जो हम एल्गोरिथम इसका देखें कि मिडिल एलिमेंट निकालता है जीरो बिगिनिंग देता है देता है जीरो जीरो के दो से डिवाइड करता है और मिडिल निकालता है उसको मिडिल से कंपेयर करता है। ओके, लेकिन माइनस सर्च के साथ एक दिक्कत भी है कि ये काम इस एरे पे तभी कर सकता है जब ये सॉर्टेड ऑर्डर में, सॉर्टेड का मतलब आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर अनसॉर्टेड है मतलब अगर ये अलग नहीं है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप लीनियर सर्च ही आप उस पर अप्लाई करिए। बाइनरी सर्च अगर आप अप्लाई करना है सबसे पहले उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कीजिए, उससे सॉर्टिंग कीजिए एंड देन उसके बाइनरी सर्च का अप्लाई। तो ये चीज है, तो हम पहले बात करते हैं लीनियर सर्च, व्हाट इज लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च। तो फाइंडिंग द गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट और इन एन एरे वन बाय वन कंपेयरिंग ईच एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 0 टू फ्रॉम लास्ट इंडेक्स अब टू लास्ट इंडेक्स। ओके, तो ये क्या कर रहा है ये लीनियर सर्च, आपको क्या करना है गिवन एलिमेंट को 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट इंडेक्स तक आपको लगातार एक ही करके कंपेयर कराना है और तब तक कराते रहना है जब तक आपको एलिमेंट मिल ना जाए। चलिए इस प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट करते हैं और लीनियर सर्च वो पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सर्च। लीनियर सर जैसा कि हम डिवीजन पहले बात कर चुके हैं, वन बाय वन एक एक एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। अब चलिए इसका प्रोग्रामिंग कांसेप्ट देखते हैं। सपोज ए जीरो दिस इज योर ए1 ए2 वी आर गॉट अ वन ए और ये है आपका नंबर जिसे आपको सर्च अब सर्च करने का होगा। इस नंबर को आप एक एक इंडेक्स से कंपेयर कराइए कैसे, ए ए जीरो बराबर का नंबर है और ये परसेंट का नंबर है क्या ये मूल इक्वल है, अगर है तो आप इंक्रीमेंट करिए, अगर नहीं है तो इंडेक्स वाले से कंपेयर। मतलब अगली बार हमने कहा कि क्या है दोनों इक्वल है, अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर हमने क्या लिखेंगे अगर एक बार है हम लोग की प्रिंट कर दे अगर ऐसा नहीं हो तो ये आरुष तो नाम ये ओके। अब आप सबको पूछे कि आई कहाँ से कहाँ तक है, आई हमने पूछे कहाँ से कहाँ, पहली बार बाहर में जीरो है क्योंकि आपको ए वन से कंपेयर कर रहा है, ए वन से ए टू से मैं ये फाइव को चला देता हूँ और आई बराबर जीरो, आई प्लस एन इक्वल टू नाइन, आई प्लस प्लस ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आपने बंद कर दिया। यही कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। अब इसका थोड़ा सा ड्रॉ बाय
क्या मान लो मैंने कहा कि सपोज मेरे पास पांच ही लिस्ट है एलिमेंट है जीरो से लेकर चार तक और मैं एक नंबर दे रहा हूं उस लिस्ट का आपको ढूंढना है अगर मिलेगा तो लिखिएगा प्रेजेंट अगर नहीं मिलेगा तो लिखिएगा ऑब्जेक्ट ओके कैसे आपको किसी नंबर को सर्च करना है इस लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं क्या कहा सबसे पहले मैं ए जीरो आई बराबर जीरो रखें तो ए जीरो बराबर नंबर है इसका मतलब इस नंबर को पहले बॉक्स से कंपेयर ये क्या हुआ जीरो कंपेयर किया क्या दोनों इक्वल है अगर नहीं है तो इक्वल चलेगा किसके पास चला जाएगा अगर उसके पास क्या निकलेगा आपसे लेकिन क्या ये मुझे बाहर निकल चुका होगा नहीं ये करने के बाद कि आई प्लस प्लस किया होगा और आई की वैल्यू वन कर दिया मतलब आपने जो प्रश्न कंपेयर किया होगा क्या सेवन बराबर फाइव है नहीं है ये लिखा होगा आपसे फिर तीसरे से कंपेयर किया होगा फिर लिखा होगा आपसे फिर चौथे से किया होगा ये इक्वल है अब यहाँ पे इक्वल इसका मतलब ये कंडीशन सही हो गई अब क्या लिखा होगा अपना चाहिए अब फिर लास्ट वाले से किया होगा क्या लिखा होगा मतलब अगर ये लूप पांच बार चल रहा है तो जब सही होगा तब तो प्रेजेंट होगा और बाकी जगह क्या होगा एब्सेंट होगा ओके जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ये इनपुट सिर्फ एक बार होना चाहिए क्या अगर मिलेगा तो पहले एक बार बता देना प्रेजेंट है अगर नहीं मिलेगा तो कह देना एब्सेंट है लेकिन वो क्या रहा है जब आप बार बार चला रहे हैं 100% की प्रिंटर भी जितनी बार चलेगा जितनी बार ये लूप चलेगा अगर ये लूप पांच बार चल रहा है जहां पर मिल रहा होगा वहां पर प्रेजेंट लिख रहा होगा जहां नहीं मिल रहा वहां पर क्या लिख रहा होगा अपसेट लिख रहा होगा वो इसलिए अपसेट पहली बार नहीं था दूसरी बार नहीं था अपसेट लिख रहा तीसरी बार नहीं था अपसेट लिख रहा चौथी बार मिला प्रेजेंट लिख रहा और लास्ट में नहीं मिला हो तो ये ड्रॉबैक है प्रोग्राम का अगर आप पीडीएफ अंदर करा तो आप इसे रिमूव कैसे किया जाए इसने क्या कहा कि आप प्रिंटर को यहाँ इसलिए क्या कहा कि आप एक सी नाम का वेरिएबल ले लीजिएगा इन सी बराबर और मैंने क्या कहा कि अगर सी की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो है अगर एआई का नंबर दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू बदल दीजिएगा और बदल के क्या कर दीजिएगा सी बराबर मैंने क्या कहा कि जब एआई और नंबर बराबर होंगे तभी सी वन होगा अदरवाइज सी जीरो का जीरो जीरो ही रहेगा तो अब इसके पास देखते हैं तीन पांच एक सात दो मतलब ये है और नंबर दो ना नंबर तो मेरा नंबर है अब ये आ सकता है क्या पहली वाले को कंपेयर करेगा क्या दोनों इक्वल है देखिए एक जीरो नंबर अगर नहीं इक्वल है अगर ये इक्वल नहीं तो ये लाइन नहीं चलेगा सीधा किसके पास चला जाएगा आगे का इफ की खासियत क्या है कि इन दोनों को कंपेयर करेगा अगर दोनों सेम टू सेम होंगे मतलब ये नंबर और ए आई की वैल्यू जो भी आई की वैल्यू रखेंगे आप जीरो वन टू अगर वो दोनों वैल्यू होगी तब तो ये सी बराबर वन करेगा अदरवाइज सीधा किस पे जंप कर जाएगा आई प्लस और याद रखिएगा सी बराबर आपका जीरो है अगर मैंने कहा था कि दोनों को कंपेयर किया क्या ये लाइन सही है नहीं सही है तो एक बार मैंने भी सीधा किसी बात आई प्लस प्लस मतलब आप इससे कंपेयर करेगा लेकिन अभी भी सी कितना मिलेगा जीरो ही सी में कोई चेंज नहीं अब इन दोनों को कंपेयर क्या कहा कि क्या दो बराबर पांच है नहीं है तो इसका मतलब ये वाली लाइन नहीं चलेगी सी बराबर पांच आगे बढ़ जाएगा ये वाली भी सी कितना आएगा ओके अगले क्वेश्चन क्या है क्या इन दोनों को कंपेयर करो क्या ये दोनों सेम टू सेम है अगर सेम टू सेम है तो अब सी बदल जाएगा सी बदल कितना हो गया वन हो गया सी कितना हो गया वन तो जब सेम हुआ तो सी चेंज हुआ वन बाकी जगह पर भी देखिए क्या था जीरो पर जीरो ही था अब लास्ट वाले से कंपेयर करेगा क्या ये दोनों जब सेम है तो और साथ बराबर नहीं आई प्लस प्लस आई प्लस बढ़ जाएगी बाहर निकल जाएगी लेकिन जब आप बाहर निकले और आपसे कोई पूछे बताओ सी कितना हो चुका है तो सी जो जीरो था मतलब कितना हो चुका है वहां अभी चेक कर लो क्या सी बराबर जीरो है जीरो कब होगा जब नहीं मिला जैसा कि मैंने कहा सपोज मान लीजिए मुझे नहीं ढूंढना होगा
अगर इसमें मुझे नाइन ढूंढना होता तो क्या इक्वलेंट एक जीरो रहा, यानी जीरो अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो है, अभी भी जीरो होना चाहिए, सी कितना रहा जीरो ही रहा। तो बाहर निकलने के बाद अगर सी जीरो का जीरो है तो आप ये देखेंगे रिजल्ट आउटसाइड, मतलब क्या आया आउटसाइड। अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिखेंगे एल्स रिजल्ट तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर आप प्रिंटर को अंदर कराते हैं तो बार बार आपका प्रोजेक्ट ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिर्फ एक बार प्रिंट कराना है कि नंबर प्रोजेक्ट है कि नहीं है। तो आपने कहा कि मैं कंडीशन तो यही चेक करूंगा, एक नंबर से कंपेयर कराऊंगा, लेकिन एक सी नाम का वेरिएबल ले लिया हूं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, मैंने कहा जब दोनों इक्वल होंगे तो सी बराबर 1 कर दूंगा, अदरवाइज पूरा चल देगा और बाहर निकलेगा तो सी क्या रहेगा जीरो का जीरो। तो वही चीज यहाँ पर सी को आपने वेरिएबल लिया था, इस पूरे एरे में चलने के बाद बाहर निकलने के बाद देखा क्या सी जीरो का जीरो ही यहाँ पर रहा है, तो हमने कुछ सब्जेक्ट अदरवाइज रखे। ओके ये चीज सही, इस प्रोग्राम को पूरा इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक एरे ले ली थी, तो उसके एलिमेंट्स और इस सी बना रहा हूँ सी। सबसे पहले मैं कहा इंटर टेन एलिमेंट्स ऑफ एरे, scan BD, scan F, आपने वैल्यू स्कैन कर ली, देखिए A0 पहली वैल्यू, A1 दूसरी, A2 A9 तक गया, सारी वैल्यू स्कैन कर लिया, एरे में सारी वैल्यू। लेकिन अब आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? सबसे पहले उस नंबर को आप बताइए जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा इंटर नंबर फॉर सर्च, फॉर सर्चिंग स्कैन और सर्चिंग फाइनल नंबर है, इसी को मैं सर्च करना चाहता हूँ। आप क्या करिए, एक फाइनल हो गया, ये वो लिस्ट है जिसके अंदर आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी है और वो ये नंबर है जिसे आपको सर्च करना है। ठीक सर, मैं आपको ये लिस्ट में जीरो से लेकर 9 तक बताना और देखना क्या AI इस नंबर के ऊपर है, ताकि AI से नहीं पता अगर है तो जो सी नाम का वेरिएबल लिए हो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो 100% बाहर निकलने के बाद सी में का रहा हुआ या जीरो प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर ही सेंड तो ऐसा नहीं है प्रिंट करा हुआ है नंबर ही ये आपका पूरा प्रोग्राम लीनियर सर्च का, जिसमें आपको कहा गया कि एक एरे दिया जाएगा, उस एरे में 10 एलिमेंट स्टोर कर लिया मैंने, क्योंकि आप एन के लिए भी बना सकते हैं, ये भी मैंने बता दी एन एलिमेंट्स के लिए बनाने के लिए क्या किया था, दो तरीका बताया गया था रूसी, जिसमें आपको पहले यहाँ पे साइज ज्यादा दे दीजिएगा और एन वैल्यू स्कैन कर लीजिएगा जीरो से लेकर एन माइनस वन तक। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि देसी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देसी में अच्छा लगता है कि वैल्यू को आप कहीं भी क्लियर कर सकते हैं, तो आप पहले एरिया में जिखा लेकिन उसके पहले ए एन की वैल्यू स्कैन कर लीजिएगा। तो दोनों तरीका है, आप एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक एरे ले लिया है, उसकी वैल्यू स्कैन कर ली है, एक नंबर ले लिया जिसे हमें सर्च करना है, अब उसी नंबर को ए आई के की वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, जब इक्वल होगा तभी सी जीरो होगा, अगर नहीं हुआ होगा 100% सी जीरो सॉरी जब इक्वल होगा तो सी वन हो जाएगा, अगर नहीं इक्वल होगा 100% सी जीरो का जीरो ही रहेगा। बाहर निकालने के बाद वही चेक करिए क्या सी जीरो का जीरो बन गया, अगर जीरो का जीरो है 100% अपसेट कर रहा है, वही नंबर मेरा क्या है प्रेजेंट। Okay. ये तो हो गया कि अगर आपको कहा जाए कि ये सिर्फ चेक करना है कि नंबर अपसेट है कि प्रेजेंट, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको काउंट करके बताना पड़े कि कितनी बार प्रेजेंट, जैसे मेरे पास 3, 5, 3, 7, 9, 3 and 2 मान लीजिए और कहा कि नंबर दिखा 3 इसको डोमेन चाहिए प्रेजेंट या अगर प्रेजेंट से बताइए काउंट करके कितने टाइम्स प्रेजेंट, मतलब आपको काउंट ही नहीं करना है 1, 2, 3 बार प्रेजेंट। तो इस पूरे प्रोग्राम में कहां पर चेंज कर दें कि ये काउंटिंग कर दे, तो ये ध्यान रखें पूरा लॉजिक ये है, सिर्फ यहां पे आप क्या कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई जब नंबर मिलेगा मुझे तो मैं क्या करूंगा सी जो जीरो है उसको वन कर दूंगा, आप वन मत करें, आप तो काउंट करना है, तो आप क्या कि जब मिला तो गिन लीजिए, मिलेगा तो फिर आगे बढ़ा लीजिए, जैसे मैंने कहा पहली बार मिला तो सी जीरो था तो बढ़ के कितना आ जाएगा वन हो जाएगा, तो सी प्लस मतलब सी को काउंट करें जितनी प्रीवियस वैल्यू है मिलते उसमें एक और जोड़ देंगे, मतलब एक बार और मिली, जैसे मान लो मैंने कहा कि एन तीन बार आया है और दो बार आपको मिल चुका है, इसका मतलब सी के लिए दो है आगे, और मैंने कहा कि फिर से कम होता तो एक बार और मिल गया तो क्या करेंगे एक और जोड़ देंगे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि काउंट करके ये भी प्रिंट कराइए कि कितनी बार है तो सेम वही लॉजिक रहेगा, बस आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बदल देंगे, जो मैंने कहा सी को वन कर रहे हैं आप काउंटिंग करिए, काउंट करके बताइए कितनी बार है। चलिए अगला प्रोग्राम जो है सेम वही प्रोग्राम राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट द गिवन एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट इन द लिस्ट प्रेजेंट देन आल्सो प्रिंट द काउंटिंग ऑफ दैट प्रेजेंट देयर प्रेजेंस। आपको ये करना है कि अगर आपको एक नंबर दिया जा रहा है तो बताइए प्रेजेंट है, अगर है तो कितनी बार प्रेजेंट है, ये भी प्रिंट करना है। तो अगर ये प्रोग्राम हो तो पूरा लॉजिक वही है कि आपको एक एरे लेना है, अब मैं एन नंबर आप काउंट्स के लिए इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, पिछली बार आपने कहा कि मैं 10 एलिमेंट के लिए बना रहा हूं, मैंने कहा कि मान लीजिए आपको एन एलिमेंट्स लिए गए हैं, उस एलिमेंट्स में से आपको फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप एक एन नाम का लेंगे, अब ये एन क्या बताएगा एक क्या मैं देवसी का इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, देवसी का बाजी लगा रहा हूँ क्या उसी नहीं इंटेल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप मुझे बताइए कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए स्कैन ये एन क्या बता रहा है आपके एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, अब आप एरे ले मैंने कहा भाई एरे ले लिया एक आई ले लिया हां एक जगह आपको एलिमेंट भी डिलीट करना पड़ेगा जिसे आप सर्च करना चाहते हैं ओके, और इसके अलावा एक और वेरिएबल है जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा तो मैंने ले लिया सी नंबर ओके, अब इस एरे की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, मैंने लिखा ब्रेक दैट Intel percentage V elements of N और ये percentage V मतलब number of elements बताइए कितने elements हैं किसकी वैल्यू N क्या चला रहा हूँ for I equals to 0 I less than equals to N minus 1 plus and then scan the value of n and e of आपने कितनी values अब आपसे क्या कह रहा है कि आप उस एलिमेंट को सर्च करें, लेकिन जब आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू देनी पड़ेगी एलिमेंट की, आप ये प्रिंट है स्कैन कर रहा हूँ स्कैनर
और किसी एलिमेंट को आपको ढूंढना है, इस लिस्ट में है कि भाई तो कहां से आप जाएंगे ढूंढने के लिए, जीरो से कैन माइनस 1 होगा। वाह, सर्च करेंगे कि ai इक्वल टू ai, क्या लगा ai है जो आपको काउंट भी करना है कि मिल रहा है, तो आप बस क्या लीजिए। मैंने क्या कहा कि अगर ये AI और इस एलिमेंट के इक्वल होता है तो आप काउंट कर लीजिए, जैसे c बराबर 0 है पहली बार में ना 3 बार में 1 हो जाएगा, दूसरी बार में 2 हो जाएगा, तीसरी बार में 3, अगर ये कभी बार कहीं मिला होगा उसी की वैल्यू में भी रहेगी 0 की 0 रहेगी, ये ध्यान रखिए। और वहां निकलने वाले की क्या c बराबर कभी 0 का 0 ही था, और हमने वो सिर्फ ये कर दिया एलिमेंट इज ऑब्सेंट, एलिमेंट इज सेंट, लेकिन अगर ऐसा नहीं है एल्स देखिए इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट और कितनी बार प्रेजेंट है परसेंटेज डी टाइम्स, और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है सी। ये आपने क्या कहा कि हम इस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, एक एआई स्कैन कर लिया, आपने एलिमेंट स्कैन कर लिया, इस एआई को बार बार कंपेयर करा रहे हैं, क्या A0 A1 A2 जितनी बार में कंपेयर कर काउंटिंग कर लिया, काउंटिंग करने के बाद आपने कहा कि सी बराबर का 0 है, अगर जब 0 का 0 ही लग गया तो आपने स्टैंडर्ड लिया, तो इसका मतलब एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, अदरवाइज एलिमेंट आपका क्या है प्रेजेंट है, और कितनी बार प्रेजेंट है वो किसकी कौन वैल्यू बता रहा है सी वैल्यू आपको बता रहा है। ओके, तो ये चीज है आप इसे प्रिंट करा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, पहला तरीका बताया कि पहला तरीका मैंने क्या कहा कि आप केवल ये प्रिंट कराइए कि प्रेजेंट है कि नहीं, और दूसरे में क्या बताया कि आपने प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है और वो किसकी वैल्यू है सी की है। अब बात कर रहे हैं अगर इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट आपको डिजाइन करना है, सपोज आपको लीनियर सर्च जो आपको प्रोग्राम बनाना है इसका फ्लो चार्ट मैं 9 अलग इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ओके, अगर ये सही होगा तो लूप के अंदर क्या होगा, लूप के अंदर जाने के बाद क्या होगा उस वैल्यू को एरे को स्कैन किया होगा, मतलब क्या निकला होगा स्कैन है परसेंटेज डी एंड ए है, मतलब मैंने निकाल ली डी ए है, और ये रीड करके कहां जाता है आई प्लस प्लस, उसके बाद जाता है आई प्लस प्लस और वापस सॉल्यूशन को ये चीज चलता रहेगा, फिर जीरो से स्टार्ट हो जीरो के पहले जीरो ए जीरो आई प्लस प्लस ए वन ए वन ए टू ए टू की वैल्यू स्कैन हुई थ्री ए थ्री फोर ए फोर और ये चीज मारना चलता रहेगा, जब आई के रूप में रूप में गलत होगा अब गलत रूप में कहा निकल जाएगा बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद आपने एक नंबर पढ़ा था जिसको आपको सर्च करना था, आपने लिखा अगर टू होगा तो अंदर जाएगा और फिर से एक इफ मिला होगा, इफ ए आई बराबर एन है कि नहीं, क्या
आपने एलिमेंट दिया है, एलिमेंट मतलब एक और कर भी सकते हैं। अगर ये सही हुआ होगा तो क्या किया होगा, c बराबर 1 एंड देन i प्लस प्लस वापस तो ये फ्लो है उसका कैसे चलता है, पहले यहाँ पे गया है तो उसने कहा कि भाई तक यहाँ पहले अरे के अंदर जाएगा i बराबर 0 से स्टार्ट किया होगा, एक कंडीशन मिला था जब तक ये कंडीशन सही होता है का आप जाते रहिएगा ai को एलिमेंट से कंपेयर कराइएगा, अगर सही तो c बराबर 1 कीजिएगा, लेकिन अगर गलत होता है तो क्या c बराबर 1 करेगा, नहीं वो सीधा इसके पास चला जाएगा i को प्लस प्लस। वो चीज है वो लूप है जैसे बताया था कि चेक किया ai अगर सही है तो c बराबर 1 अदरवाइज i प्लस 1 वही चीज, अगर ये सही होगा तो सीधा कहां चला जाएगा c बराबर 1, गलत हुआ तो i प्लस प्लस और वापस इस कंडीशन में। ओके और जब ये करके सकता तो वहां ही मिलेगा, वहां से लेकर एक और कंडीशन c बराबर 0 है, अगर 0 है तो आप ये अपसेट अपसेट, अगर सही है अगर ये गलत है तो अपसेट, दोनों करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका ये आपका लीनियर सेट का नाम बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी सर्किट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो आज में